ओके यू गाइस, वंस अगेन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन एंड दिस इज युवराज बैच। और मेरे ख्याल से ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है भाई युवराज? ये लेक्चर हमारा चल रहा है 17। ओके बच्चों, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था पिछले वीडियो में, एरर आ गई थी, तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर फिर से। चलिए, तो क्या तुम्हारी बहन सुबह से इस कमरे की सफाई कर रही थी, बताइए क्या होगा? हैड योर सिस्टर बीन क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग। हैड योर सिस्टर बीन क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल सही। क्या सूरज एक घंटे से आकाश में चमक रहा था? Had the sun been rising, अरे भाई शाइनिंग होगा आकाश में चमकने को, शाइनिंग इन द स्काई। हाँ, और फॉर वन आवर, बिल्कुल सही। हैड द सन बीन शाइनिंग इन द स्काई फॉर वन आवर, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पुलिस दो घंटे से चोर का पीछा कर रही थी? चोर का पीछा करने क्या बोलते हैं? यस, बताइए। हैड द पुलिस रनिंग आफ्टर, बिल्कुल सही। थीफ फॉर टू आवर्स, यस। हैड द पुलिस बीन रनिंग आफ्टर द थीफ फॉर टू आवर्स, बिल्कुल सही। क्या तुम कई घंटे से इसी कमरे में सो रहे हो? हैड यू बीन स्लीपिंग इन दिस रूम फॉर मैनी आवर्स, बिल्कुल सही है। अगला है, क्या वह सुबह से घर की सफाई कर रही थी? Had she been cleaning the house since morning? बिल्कुल सही, वैसे घर के लिए house लगाइए। क्या वे दो दिनों से ट्रेन में यात्रा कर रहे थे? Had they traveling? Been लगाओ भाई, Had they been traveling? In the train? हाँ। In the train? For two days. Had they been traveling on the train होगा, in the train होगा, traveling in the train for 2 days, बिल्कुल सही। क्या पुष्पा 10 बजे से निबंध लिख रही है थी? Had Pushpa been writing an essay since 10 o'clock, बिल्कुल सही। क्या ये लड़कियां सोमवार से अंग्रेजी सीख रही थी? Had these girls been learning English since Monday? Had these girls been learning English since Monday? बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये सारे के सारे हमारे जो हैं इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस यहाँ पे हो चुके हैं। अब हमें करने हैं, कौन से करने हैं भाई? WH वर्ड वाले हमें करने हैं। तो तैयार हैं हम लोग WH वर्ड के क्वेश्चंस करने के लिए। एक्सरसाइज 34 में आप सभी का स्वागत है। तुम पिछले हफ्ते से वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ क्या, सो व्हाट से शुरू होगा, बताइए क्या होगा? For last week. What had you been doing there since last week? Since last week आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ गलती कर दी अपन ने, since ही लगेगा last week, क्योंकि last week मतलब पिछला सप्ताह है, कोई अनिश्चित काल नहीं है। पिछला मतलब आज आप बात कर रहे हैं तो जस्ट आपका पिछला वाला। ओके हाँ, अगर दो घंटे से होता, दो दिनों से होता तो फार होता, ठीक है ना। सो सिंस लास्ट वीक चल जाएगा यहाँ पे। What had you been doing since last week? ओके बच्चों, याद रखिएगा सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट नाइट, मैंने बताया था आपको, है ना। इनके लिए आपको आपको यूज करना होता है, सिंस का ही यूज करना होता है। ओके गाइज, ये देखिए, ये है सिंस का यूज जो मैंने बताया था आपको, जो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था सिंस का यूज। तो देखिए, जब आपको टाइम पता हो, सन पता हो, मंडे ट्यूसडे पता हो, संडे है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइन पढ़ता हो, सिंस यस्टरडे, सिंस अब डे बिफोर यस्टरडे, और अभी एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, हम लोगों ने पढ़ा सिंस लास्ट वीक,
सिंस लास्ट वीक, देखिए सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस दैट डे, उस दिन के बाद से, है ना, सिंस माय डैड वाज बॉर्न, जब से मेरे पापा पैदा हुए। तो भाई साहब ये सिंस के यूज हैं, और ये मैंने फॉर के यूज बताए थे, है ना, फॉर टू सेकेंड, फॉर मिनट, आवर्स, डेज, वीक, मंथ, ईयर्स, सेंचुरीज, फॉर अ लॉन्ग, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज, फॉर आवर्स, फॉर मंथ, फॉर ईयर्स। ओके, हाँ, तो ये हो गई हमारी बात पूरी, अब वापस चलते हैं जहाँ पर हम थे। ओके गाइज, नेक्स्ट करते हैं, उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था, बताइए। गलत हो गया, वो हैड बीन कॉलिंग, वो हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 मिनट्स, बिल्कुल सही। सो वो हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 मिनट्स, बेटा बीन को भूला मत करो, कोई काम लगातार हो रहा है, वो देखो बेचारा 10 मिनट से बुला रहा है, लगातार बुला रहा है, एक बड़ा टाइम पे बुला रहा है, तो बीन लगेगा, क्या लगेगा, बीन, वो हैड बीन कॉलिंग फॉर 10 मिनट्स, है ना, वो हैड बीन कॉलिंग हिम है, उसे, हिम फॉर 10 मिनट्स। रजिया को 6 महीने से इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था, वो क्योंकि यहाँ पर 6 मंथ जो है अनिश्चित समय है, क्या है, अनिश्चित समय, अगर कह दिया होता जुलाई से तो सिंस आता, है ना। सो देखिए, वो हैड बीन टीचिंग इंग्लिश टू रजिया फॉर 6 मंथ्स, वो हैड बीन टीचिंग इंग्लिश टू रजिया फॉर 6 मंथ, 6 महीने से, सुबह से तुम्हें सिंस आता है, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 1 हफ्ते से, है ना, तो इसमें फॉर आएगा। चलिए, 6 महीने से इस बच्चे की देखभाल कौन कर रहा था, फिर से फॉर आएगा, बताइए। हाँ हाँ, देखिए, हाँ, देखभाल करने को बोलते हैं टेकिंग केयर, हाँ, टेकिंग केयर ऑफ दिस चाइल्ड, हाँ, फॉर 6, वो है ना, देखिए, वो हैड बीन, अच्छा यहाँ तो राइट, टेकिंग केयर वाला कहाँ गया, हाँ, वो हैड बीन केयरिंग, टेकिंग केयर भी सही है, केयरिंग फॉर दिस चाइल्ड फॉर 6 मंथ, बिल्कुल सही है, आप केयरिंग कर रहे थे, बिल्कुल सही था, केयरिंग भी सही है, या टेकिंग केयर, वो हैड बीन केयरिंग, है ना, वो हैड बीन केयरिंग फॉर दिस चाइल्ड फॉर 6 मंथ। तुम 1 घंटे से कौन सी फिल्म देख रहे थे, तुम 1 घंटे से कौन सी फिल्म देख रहे थे, बताइए, व्हिच फिल्म या फिर मूवी, हाँ, देखना, वॉचिंग, यू और वॉचिंग के बीच में कुछ नहीं लगेगा, यू वॉचिंग फॉर 1 आवर। ओके, देखते हैं, फिर से बोलिए, विच मूवी हैड You okay, which movie या which film had you been watching? Been भूल गए थे आप, which movie या which film had you been watching for 1 hour? Okay, which film had you been, याद रखिएगा, which film के बाद had आ गया, फिर उसके बाद you आ गया, देख रहे थे मतलब been watching for 1 hour। Next बोलिए, संभल करके बोलिए, वह 10 बजे से कहाँ सो रहा होगा, वह 10 बजे से कहां सो रहा होगा, वेयर से स्टार्ट होगा, वेयर हैड ही बीन, हाँ, स्लीपिंग सिंस 10 o'clock, वेयर हैड बीन, वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग, वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock। ओके, ये जो सब्जेक्ट होता है बीन के पहले आता है, वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग, है ना, सिंस 10 o'clock। 10 मिनट से दरवाजा कौन खटखटा रहा, कौन, वो हैड ओके, वो हैड बीन नॉकिंग ऑन द डोर या नॉकिंग द डोर फॉर 10 मिनट्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, वे 1 घंटे से इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे, what had they been doing under this tree, for one hour. Okay, so what had they been doing? Okay, कई बार मन लगता है दे को भूल जाओ भैया, ऐसा नहीं करना, what had they been doing, ये थोड़ा सा confusion होता है इसमें, what had they been doing under this tree, for
फॉर 1 आवर. तो बिल्कुल सही, हमने सारे कर लिए हैं. वॉट हैड दे बीन डूइंग अंडर दिस ट्री फॉर 1 आवर. डन. चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंसेस की ओर. चलिए अब क्या है भाई साहब. हाँ तो यहाँ पर तो इन्होंने दे दिया है फ्यूचर का. सो उस एक्सरसाइज नंबर 34, एक्सरसाइज नंबर 34 में हमारे पास हो चुकी है और यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं दी गई है. चलिए कोई बात नहीं, तो जो दिया है वो तो हमने कर लिया है. सो गाइज ये था हमारा कंप्लीट. पास्ट हमने पूरा कर लिया है, अब हम करेंगे क्या भाई साहब, फ्यूचर. तो फ्यूचर में अगले